आज मैं लेकर आई हूँ एकदम यूनिक रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड सेवई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 20 ग्राम पतली वाली रोस्टेड सेवई लेंगे। सेवई को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध घी। घी मेल्ट हो गया है, अब इसके अंदर सेवई को ऐड कर लेंगे और 1 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि ये रोस्टेड सेवई था, फ्राई किया हुआ नहीं था। इससे सेवई में स्वाद के साथ साथ चमक भी आ जाएगी। सेवई फ्राई हो गया है, अब इसे उतार लेंगे। सेवई बनाने के लिए मैं यहाँ पे 700 ml दूध ले रही हूँ, जो कि ये मलाई वाली दूध है। आप चाहे तो कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को गैस पे चढ़ाएंगे, इसमें उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, तब तक कस्टर्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो ठंडा दूध आधा कप मैंने लिए है, उसमें मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी चम्मच से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को रूम टेम्परेचर पर, जो दूध होता है ना, उसमें इस तरह से घोल के तैयार कर लेंगे। आधा कप दूध में इसको अच्छे से घोलेंगे, इसमें कोई लम्स गुठली ना रहे। दूध में उबाल आ गया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें लगभग 100 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी अपने मीठे के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को घोलने देंगे। दूध में चीनी अच्छे से घुल मिल गया है, अब इसके अंदर सेवई को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे। सेवई में उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेवई में उबाल आने लगा है। एक बार फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर को एक बार फिर से अच्छे से इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तले में बैठा हो ना, वो अच्छे से घुल मिल जाए। कस्टर्ड पाउडर डालते समय फ्लेम को लो कर लेंगे और सेवई में कस्टर्ड को डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब फ्लेम को बढ़ाएंगे, मीडियम करेंगे। जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं तो हमें फ्लेम का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा कोई भी चीज, जो भी हम बनाते हैं डिश, वो स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए सेवई में उबाल आने लगा है। अब फ्लेम को फिर से लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पे सेवई पकते हुए 4 मिनट हो गया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं सेवई को चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे सेवई में है ना, अच्छे से शाइनिंग आ गया है। सेवई जो है अच्छे से पक गया है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और सेवई को ठंडा होने देंगे। इसी बीच में 2 हरी इलायची को कूट के अच्छे से डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। सेवई को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। सेवई में डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिए हैं, जैसे कि आम है, अंगूर है और सेब है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, काले वाले अंगूर डाल सकते हैं, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, चीकू, अनार, केला, जो भी हमें फल पसंद होगा वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस 3 ही तरह के फल लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेवई भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब सेवई में फ्रूट्स को ऐड करेंगे। अब सेवई में फ्रूट्स को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से फ्रूट्स कस्टर्ड सेवई बना लेंगे ना, तो दूसरे सारे तरीके भूल जाएंगे सेवई बनाने के। मैं इसे चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सिल्की सिल्की सेवई बन के तैयार हुआ है। अब आई सर्व करने की बारी। तो इस सेवई को पूरी पराठे के भी साथ खा सकते हैं और डेजर्ट के रूप में भी खा सकते हैं। इस तरह से अगर किसी को भी सेवई बनाकर खिला देंगे ना, तो वो आपके फैन जरूर हो जाएंगे। और इस सेवई को जो छोटी मोटी हम लोग घर पे पार्टी रखते हैं, उसमें भी स्टार्टर के रूप में हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से सेवई बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। बाय बाय।